2014 के बाद पीएम मोदी ने बदली इकोनॉमी की तस्वीर, जाने सर्वे में क्या बोले लोग। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के इकोनॉमी की तस्वीर बदल रही है। ये जानकारी आज तक और कड़वे इंसाइट्स लिमिटेड के सर्वे से मिलती है। मूड ऑफ द नेशन के नाम से किए गए इस सर्वे के मुताबिक करीब 38% लोग मानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद इकोनॉमी में सुधार हुआ है। हालांकि 42% लोग के मुताबिक इकोनॉमी जस की तस है। वहीं 10% लोगों का मानना है कि इस दौरान इकोनॉमी की हालत बिगड़ी है। सर्वे के दौरान ये भी पूछा गया कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद आर्थिक रूप से आपकी स्थिति कैसी है। इस सवाल के जवाब में 48% लोगों ने माना कि सुधार हुआ है। वहीं 42% लोगों का कहना है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि 10% लोगों का मानना है कि स्थिति बहुत बुरी हो गई है। इसमें करीब 27% मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खराब आर्थिक हालत का जिक्र किया। वहीं 8% हिंदुओं को लगता है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद उनकी आर्थिक सेहत खराब हुई है। सर्वे में 43% लोगों का मानना है कि मोदी सरकार में इकोनॉमी की सेहत मनमोहन सिंह की सरकार से बेहतर है। हालांकि जनवरी 2020 के मुकाबले इस आंकड़े में गिरावट आई है। जनवरी 2020 में करीब 50% लोगों का मानना था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए के कार्यकर्ता से बेहतर हालात बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में है। वहीं 45% लोग यूपीए की तुलना में एनडीए शासन काल में इकोनॉमी को स्टेबल देखते हैं, जबकि 10% लोगों का लगता है कि मोदी सरकार में यूपीए सरकार के मुकाबले अर्थव्यवस्था की हालत खराब हुई है। हालांकि 2% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया है।